गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, विद प्रूफ दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। तो मैं अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ये एप्लीकेशन का नाम है एक्सिस मोबाइल। ओके, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ये आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया है, तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो पहले हमको यहाँ पर लॉगिन करना है। मैंने पहले से ही लॉगिन किया है, तो मैं अपने ओपन कर देता हूँ अकाउंट। ओके, ऐसा कुछ इंटरफेस आने के बाद देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। देखिए एक क्रेडिट कार्ड है मेरा, बस क्रेडिट कार्ड। तो अभी नीचे देखिए पांच ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, फंड ट्रांसफर, बिल पे, रिचार्ज, सर्विस एंड अप्लाई नाउ। तो हमको सर्विस पे क्लिक करना है। ओके, सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिक्स ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, चेक, अकाउंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन्स एंड अदर। तो हमको क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है। ओके, ये क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाता है, कन्वर्ट टू ईएमआई। ओके, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, करंट स्टेटमेंट और अनबिल्ड ट्रांजैक्शन। तो हमको अनबिल्ड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो भी एलिजिबल ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि 3000 के ऊपर वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे आपने किसी स्टोर पे कुछ खरीदा, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, तो इसका जो ईएमआई रहता है वो आ जाता है। तो देखिए 2898 रुपीज़ का ये एलिजिबल ट्रांजैक्शन है, आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर आ जाता है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, इंटरेस्ट कितना लगेगा, वन टाइम प्रोसेसिंग फी 1.5% और जीएसटी 80% रहेगा। मर्चेंट नेम यहाँ पे आ गया है, महिंद्रा ट्रेडिंग कंपनी। ओके, पोस्टिंग डेट 30 अप्रैल। तो देखिए यहाँ पे हमको कितने मंथ के लिए ईएमआई करवाना है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करना रहता है, 9 मंथ, 6 मंथ एंड ऐसा। तो अभी मैं इसको 6 मंथ के लिए करवा देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट आ रहा है, ट्रांजैक्शन डेट आ रहा है, ईएमआई जो अमाउंट रहेगा 508 रुपये लेगा 67 पैसा, प्रोसेसिंग फीस का 150 रुपये लगेगा, जीएसटी 80% और टर्नओवर 6 मंथ का। तो आई एग्री पे क्लिक करना है और कंफर्म पे जाना है। तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पे अपना एम पिन डालने के बाद ये ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।